अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रमज़ान की डिश बन रही है, इफ्तारी के लिए बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मिनी रोल। मिनी रोल बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और यमी बनेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, हम बच्चों के लिए मिनी रोल किस तरह के बना रहे हैं। 2 अदद मैंने आलू ले लिए, आलू को बॉयल कर लिया हुआ है। हाफ मैंने ब्रेस्ट लिए, हाफ ब्रेस्ट लेके मैंने इसको भी बॉयल कर लिया है। मैदा लेंगे 2 टीस्पून, 1 टीस्पून चिकन पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून चिली सॉस लेंगे, 1/2 टीस्पून हम सोया सॉस लेंगे। रोल पट्टी ले लिए, मिनी रोल पट्टी ली है ये मैंने। चले आए शुरू करते हैं कैसे बनते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, जल्दी से बनने वाले। आप सबको मेरी तरफ़ से, पूरी फैमिली की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने रमज़ान में खुसूसी मुझे दुआओं में याद रखना है। मैं भी अपनी YouTube फैमिली और पूरे पूरी जितनी भी मेरे को जो भी देखते हैं, मैं सबके लिए दुआएं करती हूं और दुआओं में याद रखूंगी आप लोगों को, सबको। आप लोग भी खुसूसी मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा, बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। पहले इफ्तारी के लिए हमने क्या बनाना है, मिनी रोल बनाने। और सबसे पहले जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आलू को मैश कर लेना है और चिकन को रेशेदार कर लेना है। चिकन के हमने रेशे बना लिए, आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें चले जाएगा चिकन पाउडर, बहुत ही यमी बनने वाले हैं ये रोल। और ये चला जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, या आप टेस्ट के मुताबिक, अगर बच्चे आपका तीखा पसंद नहीं करते तो आप इसको कम कर लें। हरी मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस। ये रोल बना के तो देखें आप घर के अंदर, यकीन करें सबके मुंह में पानी आ जाएगा और बहुत शौक से खाएंगे। इसमें चला जाएगा चिकन और इसको हैंड हमने अच्छे तरीके से धो लेने हैं, और वॉश करने के बाद इसको, चिकन को और इसको अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए मसाला हमारा सारा मैच हो गया, बहुत ही मज़े का टेस्टी टेस्टी सा यमी सा। मैदा लिया मैंने 2 टीस्पून, इसमें चला जाएगा थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। इसको कर लेंगे मैच। आप ये जो मैं मिनी रोल बना रही हूँ, आप बड़े रोल भी बना सकते हैं इसी से, मगर मटेरियल यही डालेंगे, बहुत ही टेस्टी और यमी बनेंगे आपके। बना के रख लें और पूरे महीने आराम से आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। बस एक दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दें। जब आपने इस्तेमाल करने हैं, निकालें फ्रीज़र से और फ्राई कर लें। दुआओं में खुशी मुझे याद रखिएगा मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए। मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ सब यूट्यूब फैमिली पे जो भी मुझे देख रहा है, जो भी मुझे सुन रहा है, प्लीज़ मेरी फैमिली के लिए दुआ करिएगा, मेरी भाभी के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को जजाए खैर दे। ये रोल पट्टी मैंने ली है, मिनी रोल पट्टी आराम से मिल जाती है। इसको हमने इस तरीके से रखना है एक डिश पे। ये मिनी रोल पट्टी हमने किस तरीके से बनानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हमने मटेरियल इस तरह डालना है। अब आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब इस तरीके से राम के साथ ये वाला हिस्सा जब आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इधर मैदा लगाना है और इसको कर देना है इस तरह। ये आपके मिनी रोल तैयार हो गए। इसी तरीके से एक और मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। एक और इसी तरह मैंने पकड़ा और बहुत ही बच्चे शौक से खाते हैं इस तरीके से। आपने आराम से इसको पकड़ना है, ये देखिए जब यहाँ पे हिस्सा रह जाता है, इसको आपने मैदा लगाना है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना। बहुत ही आसान है, इजी है। इसी तरीके से मैं सारे मिनी रोल बना लूँगी।
ये देखिए मज़ेदार किस्म के मिनी रोल हमारे रेडी हो गए हैं, टेस्टी टेस्टी से, यमी यमी से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको महफूज करके आप फ्रीज़र के अंदर रखें और जब दिल चाहे आपका आप इस्तेमाल करें। मैं फ्रीजर में रख दूंगी, आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़।